हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ ग्रेटर। अब हमें क्या बताना है, 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8, इन दोनों में से ग्रेटर कौन है। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व इट। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 2/7 मल्टीप्लाई 3/4। अब हम क्या देखें, 2 और 7 सेम टेबल पर नहीं जाते हैं, 2 और 4 तो जाते हैं, तो 2 गया 2 के टेबल 1 पर, ये गया 2 पर, और 3 और 7 तो सेम टेबल पर जाते नहीं हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 1 3, 2 7 14। अब इधर क्या आएगा, 3/5 मल्टीप्लाई 5/8। अब देखो, 3 और 5 सेम टेबल पर नहीं जाते हो, 3 और 8 भी नहीं जाते, बट 5 और 5 क्या आ जाएंगे, 5 के टेबल पर कितने पर जाएंगे, 1 पर, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3/8। अब हमें इन दोनों नंबर में से बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। इसके मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी, जैसा आपको ईजी लगे आप उस वे से कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का न्यूमरेटर सेम है। पहले हमने छोटी क्लास में देखा है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर से जो ऊपर वाला नंबर होता है ग्रेटर होता है। जैसे कि जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर बेस सेम है तो ऊपर ग्रेटर नंबर ग्रेटर ही रहता है, तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, ये 7 वाला, ठीक है। अब अगर न्यूमरेटर सेम हो तो ये इसका उल्टा हो जाता है। अगर ऊपर सेम होता है ना तो छोटी चीज़ क्या छोटी जो नंबर होता है, छोटा नंबर जो होता है वो ग्रेटर हो जाता है, और जो ग्रेटर होता है स्मॉलर, मतलब ऑपोजिट देखना। अगर हम ऊपर देखेंगे तो ग्रेटर ग्रेटर ही रहेगा, बट अगर हम नीचे वाले डिनोमिनेटर में देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो नीचे जो स्मॉलर नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर हो जाएगा। तो सेम हियर, अब हम क्या देख रहे हैं, ये अपना न्यूमरेटर सेम है तो जो ग्रेटर नंबर होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा, ये क्या है, ग्रेटर, तो इसकी तरफ फेस ओपन हो जाएगा। अगर इसमें कन्फ्यूज़न है तो अदर मेथड अपना क्या है, हम क्या करेंगे, इनको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 3 24 8 3 24 ये लिख दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है, और 14 3 42, तो इधर बड़ा कौन है, इधर वाला, तो क्या कर देंगे हम, इस वे से भी कर सकते हैं कि ये वाला हम ऐसा कर देंगे। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, जिस वे से मर्जी कर लो। इसका एक और मेथड भी है, फिर वो लेंथी हो जाएगा, मतलब हमें क्या करना है, बेस सेम करना है, तो इसलिए वो थोड़ा टफ हो जाएगा। ये 2 मेथड बताएं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट, 1/2 × 6/7। अब हम क्या देख रहे हैं, 2 और 6 2 के टेबल पर जा रहे हैं, ये 1 पर गया और ये 3 पर गया, तो 3 1 3, 7 1 7, सेम हियर, 2/3 × 3/7। अब देखो, 3 के टेबल पर ये दोनों 1 पर गए, ऊपर क्या बचा, 2 1 2, 7 1 7। अब हम क्या देख रहे हैं, एक इधर 3/7 है और इधर 2/7 है, ये तो बहुत ही ईजी है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या आ जाएगा, ऊपर जो ग्रेटर नंबर होता है वो ग्रेटर ही रहता है, तो इधर वाला ग्रेटर हो जाएगा। देखो, लिख देंगे, इधर लिख देंगे 3/7 इज ग्रेटर। ऐसे हम लास्ट सम में भी लिख देंगे, 3/8 इज ग्रेटर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, सो दिस प्लांट्स 4 सैपलिंग इन अ रो इन हर गार्डन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एजेंस सैपलिंग इन 3/4
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग. मतलब क्या है, ये एक रोप में सैपलिंग कर रहे हैं गार्डन में. जैसे कि हम प्लांट्स लगाते हैं तो मिट्टी की जो टेरी होती है ना, मैं इसको इकट्ठा करके उस पर सीड्स लगा के करते हैं. तो ये वाली जो सैपलिंग है ये हमने प्लांट्स फॉर सैपलिंग, प्लांट्स लगाने के लिए ये फोर सैपलिंग बनाई है. एक रो में क्या करी है, फोर सैपलिंग करी है. द डिस्टेंस बिटवीन टू एजेंट्स सैपलिंग इन, जो एजेंट्स मतलब जो साथ लगती सैपलिंग है उनका आपस में कितना डिस्टेंस है, 3/4. कितनी लेनी है, 4 सैपलिंग लेनी है और उनका आपस में कितना डिस्टेंस है, 3/4 मीटर का. ठीक है, अब उसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन जो फर्स्ट वाली, इसका नाम ले लो 1, 2, 3, 4, कहते जो फर्स्ट वाली और जो लास्ट वाली है इनका आपस में कितना डिस्टेंस है. तो हमें ये निकालना है, क्या आएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट, इनका आपस में डिस्टेंस बताना है कितना है. तो कैसे करेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू एजेंट सैपलिंग, कि दो जो एजेंट सैपलिंग का डिस्टेंस हमें क्या दिया गया, 3/4 मीटर दिया गया. अब गैप कितना, देखो 1, 2, 3, अपने 3 आ रही, नंबर ऑफ गैपिंग कितनी है, 1, 2, 3. तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ गैपिंग इन सैपलिंग इज इक्वल टू 3. अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग. तो क्या करेंगे, कितनी गैपिंग हो रही है अपनी, 3, 1, 2, 3, और इनका आपस में कितना डिस्टेंस है, 3/4. तो क्या करेंगे, 3 × 3/4. तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 4 का आपस में कोई भी मतलब सेम टेबल पर नहीं जाता है. तो 9/4 आ गया. और अब इसका मिक्स फ्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 के टेबल पर 9 के नीचे क्या लिख सकते हैं, 8. तो 9 में से 8 गए 1, तो कितना आ जाएगा, 2 1/4, इतना डिस्टेंस इनका आपस में.